सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोक चंद है, जो मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। सुरेश रैना आज भारतीय क्रिकेट टीम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। घर पर सोनू के नाम से पुकारे जाने वाले और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रैना को मिस्टर T20 और मिस्टर परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रैना बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ साथ कभी कभार स्पिन गेंदबाजी भी बखूबी करना जानते हैं। इसके साथ ही वे वर्ल्ड क्रिकेट के बेहतरीन फील्डरों में से एक हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में वह उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हैं और अब IPL में वे गुजरात लायंस के कप्तान भी हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की है और सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले वह दूसरे कप्तान भी हैं। वो पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जमाया है। सुरेश रैना बचपन से ही क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपना किट बैग बना लिया था, जिसे लटकाकर बाहर घूमना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बचपन में खेल को करियर बनाते हुए भी वह पढ़ाई में अच्छा स्कोर किया करते थे, क्योंकि उनके सभी भाई बहन पढ़ाई में टॉप स्कोरर थे और जिन्हें देखकर उन्हें भी लगता था कि मुझे भी अच्छा स्कोर करना चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें पहले अपना होमवर्क और पढ़ाई पूरी करनी होती थी, जिसके बाद ही उन्हें क्रिकेट खेलने की अनुमति मिलती थी। उसके बाद क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने के उद्देश्य से उन्हें लखनऊ के एक हॉस्टल में भेज दिया गया और वो समय उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। रैना अपने कोच के सबसे चहेते खिलाड़ी थे और इसी वजह से उनके हॉस्टल के कुछ खिलाड़ी उनसे जलते थे और वो उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। जैसे जाड़ों के समय में रात के 3 बजे उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता और कई बार उनके दूध में घास डाल दी जाती, जिसे बाद में मजबूरन उन्हें उसे छानकर पीना पड़ता था और वो कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक को भी मारा तो बाकी 5 उन पर टूट पड़ेंगे। एक बार रैना को उनके सीनियर द्वारा हॉकी स्टिक से भी पीटा गया था और उनके एक साथी को तो इतना पीटा गया कि वह कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गया था। इन्हीं परेशानियों के चलते एक बार उनके दिमाग में आत्महत्या करने जैसा भी विचार आया था। रैना ने ऐसी घटनाओं की वजह से हॉस्टल छोड़कर घर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उनके भाई दिनेश रैना ने उन्हें दोबारा हॉस्टल पहुंचा दिया और इस बार हॉस्टल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दी। दोबारा हॉस्टल पहुंचने पर उन्होंने अपने गुस्से का इस्तेमाल अपने क्रिकेट प्रदर्शन को सुधारने में किया। उस समय उनके पास ज्यादा रुपए भी नहीं होते थे। हर महीने पापा की तरफ से 200 रुपए का मनी ऑर्डर आता था और उसी में उन्हें अपना काम चलाना पड़ता था। वो दिन रैना के लिए बहुत ही मुश्किल भरे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनके खेल की तरफ जाने लगा और जब भी वो गाँव में क्रिकेट खेलने जाते तो हर कोई उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता था और मैच में 4-5 छक्के मारकर जिताने के उन्हें 200 रुपए मिलते थे। उसके बाद उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1999 में एयर इंडिया की तरफ से उनके पास खेलने के लिए ऑफर आया और इसी मौके ने उनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि अगर वो UP में रहते तो छोटे मोटे गेम खेलकर खत्म हो जाते। उसके बाद एयर इंडिया की तरफ से उन्हें 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली, जिनमें से 8,000 रुपए उन्होंने अपने परिवार को भेज दिए। उस दिन अपने परिवार को अपनी पहली कमाई देकर वह बहुत खुश हुए थे। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने गाजियाबाद के विशेष गवर्नमेंट स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद वे उत्तर प्रदेश से अंडर 16 के कैप्टन बने और सन 2002 में इंडियन सेलेक्टर्स की नजरें उन पर पड़ी और 15 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन अंडर 19 की टीम के लिए कर लिया गया, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतक भी बनाए थे। इसके बाद उन्होंने आसाम के खिलाफ फरवरी 2003 में रणजी डेब्यू किया था और फिर उन्होंने अंडर 19 की टीम के साथ पाकिस्तान टूर किया और उनके प्रदर्शन को देखते हुए सेलेक्टर ने उनकी नियुक्ति 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कर ली और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए थे, जहां एक बार उन्होंने मात्र 38 गेंदों में 90 रन बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अकेडमी में प्रशिक्षण पाने के लिए उन्हें बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप भी मिली थी, जिसके बाद उन्हें चैलेंजर सीरीज में भाग लेने के लिए चुना गया और सचिन तेंदुलकर की चोट और कप्तान सौरव गांगुली के निलंबन के बाद रैना को श्रीलंका में इंडियन ऑल कप 2005 के लिए चुना गया था। उसके बाद IPL रैना की जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रैना अब तक क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले भारत से एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो 3 अप्रैल 2015 को सुरेश रैना ने अपनी बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी से शादी की थी और उनकी बेटी ग्रेसिया रैना का जन्म 14 मई 2016 को एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था और फिल्म मेरठिया गैंगस्टर के लिए सुरेश रैना ने अपनी आवाज भी दी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो T20 और एक दिवसीय दोनों वर्ल्ड कप में शतक मारने वाले वह पहले भारतीय हैं। IPL में 100 से भी ज्यादा छक्के मारने वाले वह पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज हैं। IPL में 3,000 रन बनाने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं।
7 IPL सीजन में 4000 से भी ज्यादा रन बनाने वाले वह पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। यहां तक कि IPL के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक स्ट्राइक रेट और सर्वाधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है।